बाहर का मौसम देख सकते हैं आप किस तरह का बरखा है। अभी बारिश लग गई, फिर भाई ये बारिश ऐसी रही तो सुबह तक यहाँ भी बर्फ देखने को मिल जाएगी आपको। उसके नीचे नीचे भी इतनी बर्फ है यहाँ, ये देखो यहाँ तक, और यहाँ पर तो और भी ज्यादा ठंड लग रही भाई। तो ये बन रहे भाई हमारे समोसे। भाई ये हमारे समोसे बन चुके हैं और यहाँ पर खस्ते भी बनाए हमने, क्योंकि और स्टॉप नहीं था समोसे के लिए, तो खस्ते बनाए और ये रोल बनाए कुछ हमने इस तरह के, आलू रोल बनाए भाई ये देखो, और चाय भी है भाई। एक और नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र बर्तवाल और आप देख रहे हैं दिल से पहाड़ी। चले फिर पहाड़ों की बातें बयां करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। नया में दोस्तों आज सबसे पहले मौसम के साथ, ये देखो पूरी बर्फबारी हो चुकी है ऊपर ऊपर साइड, और अगर ऐसा ही मौसम रहा आज शाम तक तो यहाँ भी बर्फ गिर जाएगी, मेरे गांव में भी बर्फ गिर जाएगी। बाकी ठंड तो आप लगा सकते हो अंदाजा, बर्फ गिरी हो सामने और गांव में कितना ठंड हो रहा होगा, कोई भी गांव में बाहर नहीं दिख रहा, सब अपने अपने घरों में किचन में आग जलाकर आग सेक रहे हैं। और जिन्होंने पशुओं के लिए चारा लेने जाना था वो भी कैसे जाएंगे, इसमें जो स्टोर किया हुआ चारा है ये, तो वही स्टोर किया हुआ चारा अब गाय भैंसों को दिया जाएगा। यहाँ पर तो कहीं दिख नहीं रहा भी स्टोर किया हुआ चारा, लेकिन मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो इस पेड़ पे भी जैसे लगा हुआ है ये, तो ये स्टोर किया हुआ चारा है। वो इसी वक्त के लिए स्टोर किया रहता है कि जब ऐसी बारिश होगी, ऐसी बर्फबारी होगी तो उस समय पर, ये देखो यहीं पर भी है, तो ये पशुओं को चारा दिया जाएगा। तो ये लाइफ स्टाइल है पहाड़ों की जब बर्फ़ गिरती है। और सबसे बड़ी आफत्ता आती है जिसके घर में लकड़ियाँ नहीं रहती, लकड़ियों का बड़ा महत्व रहता है आजकल, क्योंकि ठंड में लकड़ी सबसे ज़रूरी होती है पहाड़ों में। अभी मैं यहाँ बाहर पर हूँ तो मेरे हाथ इतने ज़्यादा मतलब ठंड से दर्द कर रहे हैं कि क्या ही बोलूँ। अब सीधे ले चलता हूँ आपको अंदर ही आग पे। तो भाई चूल्हे पे ये जली हुई है आग, और ये देखा हेराम बिट्टू प्राचीन पितर हेलो हाय तो कर, कुछ लोग तो बोला कुछ, ये भी आज ठंड सुनी गिरी मेरे। तो भाई पहले आग जरूरी है, आग सीखते हैं, इसके बाद बहुत काम बाकी है, कल बुकिंग में जाना है देहरादून, तो कार्ड कूड कॉफी सब चीज़ देखने हैं, सामान सुमान देखना है। थोड़ा मौसम खुलने लगा तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा तुंगनाथ के पर्वत का दर्शन भी करा दूं, जो हमारे गांव से जो तुंगनाथ का पर्वत दिखता है वहां, तो इस साइड को पूरी बर्फबारी हो जाती है, जिस साइड को मैं दिखाऊंगा आप लोगों को अभी। तो फिलहाल पहले मैं वहीं जा रहा हूं, यहां ऊपर में है स्कूल और स्कूल के वहाँ से दिखती तुंगनाथ की चोटी। का बोल जाना मले गाँव ए चाची हाय ठंड का देखो गर्म हो देख के काल उठी। तो ये लोग भी जा रहे हैं अपने जो मवेशी हैं इनके, उनको चारा देने, ठंड में कहाँ बाहर निकालना उनको, तो अभी पिंडा वगैरह जो भी अनाज का मिक्स करके उसको थोड़ा उबाल देते हैं पानी में, और नमक डाल के गाय भैंसों के लिए वो देते हैं, तो क्योंकि उनकी बॉडी में भी थोड़ा गर्मी बनी रही। तो पापा भी गए हैं ऊपर, वहाँ हमारा एक बैल और एक बाछी है, तो उनको थोड़ा ठंड लग रही होगी तो गौशाला में थोड़ा आग जला लेंगे, उनके लिए थोड़ा गर्म हो जाएगा कमरा थोड़ा उनका। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, यहाँ से दिखाऊंगा तुंगनाथ के पर्वत को, कोहरा ना लगा हुआ हो बस। तो भाई स्कूल में पहुँच चुका हूँ, यह स्कूल का गेट, प्राइमरी स्कूल है ये हमारे गांव के, और अरे यार वहाँ तो पूरी धुंध लगी हुई है, ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, जो ये धुंध लगी हुई है पूरा यहाँ तक है तुंगनाथ का पर्वत, ये ऐसे में यहाँ पर तक है, तो ये पूरा कबर वर्खा भाई अभी कोहरे से। बाकी नीचे नीचे भी इतनी बर्फ़ है यहाँ, ये देखो यहाँ तक, और यहाँ पर तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही भाई, हाथ बिल्कुल टूटने लग गए, दर्द करने लग गए ठंड से, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। तो भाई तुंगनाथ ठीक ठाक बर्फ़ गिरी है, बहुत ज़बरदस्त वाली बर्फ़ इस हिसाब से। और भाई अगर आप भी बर्फ़ की मजे लेने चाहते हैं तो भाई सबसे बेस्ट लोकेशन अभी जो मेरे हिसाब से मेरे आस पास वो है चोपता, और चोपता के साथ साथ एक और बेहतरीन जगह है अपने आप में खूबसूरती की मिसाल देती है वो जगह, उस जगह का नाम है भुलकण। भुलकण में भी आप ठहर सकते हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है वहाँ पर भी, और बर्फबारी वहाँ पर बहुत तगड़ी होती है, मतलब व्यू पॉइंट बहुत तगड़ा है भुलकण भी। खूब कपड़े पहने हैं हाँ ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा दीदी को भी, तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है पहाड़ों में, अगर पहाड़ों में आना है आजकल बर्फबारी अगर देखने आओगे पहाड़ों में, तो एक चीज़ ध्यान रखना, ठंड से बचने के सारे उपकरण अपने पास रखना, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है,
स्नो में अगर ये सोच कर आ रहे हैं आप कि स्नो में इंजॉय करेंगे, इंजॉय तो करेंगे आप, लेकिन अगर आपके पास ठंड से बचने के उपाय रहेंगे तब, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और हवा जब चल रही है तो हाथ पैर ऐसे कर रहे हैं कि मतलब टूट टूट जैसे रहे, इतना दर्द हो रहा हाथ पैरों पर। हाय हाय, ये है बिरिंदर बिरू, आर्मी का जवान। आजकल ना ये मैच खेलने के लिए, देखो ये छुट्टियां मनाने थोड़ी ना, ये खाली मैच में भाई धुना धुना घर में एक दिन में टिक रही है। आज जब बारिश हुई है जिस वजह से घर में दिख रही है, नहीं तो 8-10 दिन हो गए इसको, अभी तक दर्शन नहीं है। मजे हैं ये कभी यार बिचारा। अयो गुड़िया हाय हाय कर, लाइक कर, ये तीनों क्या है जोर से बोल बोल बोल। तीर्थ था। अच्छा मैंने क्या चे, मैंने क्या चे, मैंने क्या चे, बुपी हाल बाब क्या कारुटी है। मेरा नाम बोल, मैंने कहा मेरा नाम क्या है, बोल बुपी बस। अबे बड़ी तेज निकली है तो है। ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे ये देखो ठंड में भी बैठे हुए हैं भाई, हाय हाय कर रहे हैं सब। देखो बहुत लोग कर रहे हैं भाई जो इसमें आ रहा है। देखो भाई अपने आपको कहाँ पे हो आप लोग, साफ नहीं दिख रहा, बाकी ये देखो बच्चे भी। हेलो सोल बड़े एक तो ब्याज है ठंडा हो जाए। यहाँ पर आऊँ और भूतनाथ जी के दर्शन न कराऊँ ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भूतनाथ जी का मंदिर और माँ भगवती का मंदिर यहाँ पर, और ये पांडव देवताओं का मंदिर है जहाँ पर पांडव देवताओं के अस्त्र शस्त्र यानी बाण रहते हैं। बाकी यहाँ पर स्कूल ये है, यहाँ पूरी लोकेशन यहाँ की, और यहाँ से इस साइड को है नीचे गाँव, यहाँ से ऐसे में सीधे नीचे को है ये हमारा गाँव। यहाँ पर कुछ घर ये हैं, बाकी यहाँ से इतना ही दिखता भाई। दिन के 2:45 हो रहे हैं और हमारी कढ़ाई फिर से चूल्हे में चढ़ चुकी है। आज बना रहे हैं, क्या बना रहे हो आप लोग? सोनिका क्या बना रहे हैं बोलो? समोसा बना रहा बोलता। अच्छा तो सोनिका समोसा बना रही है आज। मसाला मैं तैयार करूंगा, बाकी समोसे ये आटा सोनिका तैयार कर रही है और माँ समोसे को भरेगी और इनकी तलेगी, तो ये ड्यूटी है आज हम सबकी। अंदर समोसे बन रहे हैं, बाहर का मौसम देख सकते हैं आप किस तरह का हो रखा है। अभी बारिश लग गई, फिर लगातार बारिश हो रही है, और भाई ये बारिश ऐसी रही तो सुबह तक यहाँ भी बर्फ़ देखने को मिल जाएगी आपको। तो ये बन रहे हैं हमारे समोसे। ये देखो कुछ इस तरह के, ये तो थोड़ा बेकार ही बन गया। रिंकी वहाँ पर बेल रही है, मम्मी यहाँ पर भर रही है समोसे में स्टफ, और सोनिका भी स्टफ भर रही थी अभी तक, पहले गोली बनाई उसने उसके बाद स्टफ भर रही थी। तो ये बंदे भाई हमारे समोसे तैयार हो रहे हैं। तो भाई ये हमारे समोसे बन चुके हैं और यहाँ पर खस्ते भी बनाए हमने, क्योंकि और स्टफ नहीं था समोसे के लिए तो खस्ते बनाए, और ये रोल बनाए कुछ हमने इस तरह के आलू रोल बनाए भाई, ये देखो, और चाय भी है भाई। भाई मज़ा लेते हैं समोसे का है ना और खस्ते का। भाई मौसम बड़ा खराब है, ये देखो पूरे आसमान में काले बादल लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक बारिश आई और वहाँ ऊपर फिर से और ज्यादा बर्फ जम गई है, वहाँ से नीचे नहीं आई अभी तक बर्फ, और अगर रात को भी बारिश होगी तो सुबह तक यहाँ भी आसार है कि हल्की हल्की बर्फबारी गाँव में भी हो जाएगी, जिस हिसाब से ठंड हो रही है। और ये देख सकते हैं मौसम किस तरह का हो रखा है, मतलब आदमी जब पूरा मैं इतना पैक हो रखा हूँ उसके बावजूद भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अंदर से मैंने स्वेटर पहन रखी है, जैकेट, बाहर से जैकेट भी है, अंदर इनर है, कमीज है, इतने में भी इतना ठंड हो रहा है यहाँ पर, तो लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कितना ठंडा हो रहा होगा पहाड़ों में। और 3 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वो रात तक 0 पर भी आ जाएगा तो बर्फबारी भी हो जाएगी यहाँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, कल देहरादून का सफ़र है और परसों से वहाँ पर बुकिंग है, देहरादून में 2 बुकिंगें हैं, तो परसों से फिर 6-7 दिन जो रहेंगे वो देहरादून
कि नाम रहेंगे, 5-6 दिन जितने भी होते हैं वो देहरादून के नाम रहेंगे। और यहाँ बर्फ गिरेगी तो सत्यानाश, मेरी फिर किस्मत नहीं है बर्फ़ देखने की, 2 बार ऐसा हो गया मेरे साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हाँ अपने दोस्तों से भी शेयर करना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर जय देवभूमि उत्तराखंड।